है जानलेवा साबित हो रहा है उत्पाद सिपाही दौड़। 583 पदों के लिए 22 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जो दौड़ चल रही है उसमें कई युवकों की जान चली गई है, कईयों की स्थिति बेहद गंभीर है और मांझी के युवक समेत 5 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये उत्पाद सिपाही भर्ती बहाली में ये दौड़ कितना जानलेवा साबित हो रहा है। जानलेवा साबित हो रहा है उत्पाद सिपाही दौड़, मांझी के युवक समेत 5 अभ्यर्थियों की मौत। प्रदेश भर में 7 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश। पलामू में 3 अभ्यर्थी की मौत। गिरिडीह में 1 अभ्यर्थी की मौत। हजारीबाग में 1 अभ्यर्थी की मौत। पलामू में 20 से अधिक अभ्यर्थी हुए बेहोश, 5 रिम्स रेफर। गिरिडीह में 46 अभ्यर्थी हुए बेहोश, 1 की मौत। साहिबगंज में 15 अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ी। रांची के रातू में 8 अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ी। तो 583 पदों की बहाली में जो दौड़ हो रही है ये दौड़ जानलेवा साबित हो रही है। अब तक 5 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, 80 से ज्यादा अभ्यर्थी गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़े हुए हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, ये 583 पदों के लिए उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की दौड़ कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, यानी 5 अभ्यर्थियों की जान चली गई है, 80 से ज्यादा की तबियत बिगड़ी हुई है। जानकारी दें और फिलहाल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, मौत क्यों हो रही है यह भी दर्शकों को बताएं। देखिए आयुष, ये जो उत्पाद सिपाही की नियुक्ति है, ऐसा लग रहा है कि नौकरी मिलने से पहले लोगों के घरों में मातम फैल जाएगी। ये अद्भुत परीक्षा हो रही है कि 1 घंटे में अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर दौड़ना है, वह भी तब जब आप देखेंगे कि सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। लड़कियों को 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। इस मामले में जो सक्रियता होनी चाहिए राज्य के उत्पाद मंत्री को, उत्पाद सचिव को, कहीं से कोई आवाज आपको उठती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। 4-4 लोगों की मौत हो जाना, करीब 12 से 15 लोगों को घायल होने की सूचना अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना है। ऐसे लोगों के घरों के बारे में कल्पना करने से दिल कांप जाता है कि उनके घरों में क्या स्थिति हो गई। घर का बेटा नौकरी के लिए कहां जाता है, उत्पाद विभाग में सिपाही की नौकरी के लिए दौड़ लगाने के लिए। उस परिवार के लोगों ने सपना देखा होगा कि बेटे की नौकरी लग जाएगी, कई प्रकार के काम आसान हो जाएंगे, लेकिन 4-4 लोगों की मौत, आप कल्पना कीजिए कि उन घरों की क्या स्थिति होगी। सबसे दुखद बात यह है कि इन तमाम घटनाओं के बावजूद कहीं से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी कि ये तत्काल दौड़ रोकनी चाहिए या फिर नियम में कोई ढिलाई देकर 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए, लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए। लेकिन इस राज्य की हकीकत ये है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती है, बिल्कुल किसी के कानों पर जू नहीं रेंगता, यही हो रहा है। चूंकि ये दूर दराज का मामला है, मेदिनीनगर का इलाका है, पलामू का मामला है, लिहाजा आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि कम से कम इस परीक्षा को तत्काल रोकनी चाहिए। दौड़ किस वजह से ऐसे अभ्यर्थी अपनी जान गंवा रहे हैं, दौड़ को कम करने की मांग कई लोगों ने उठाई थी, लेकिन कहीं से इसका रिएक्शन आपको नहीं सुनाई पड़ा। ये अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, यदि ये परीक्षा ऐसे ही ली जाती रही तो यकीनी तौर पर मानिए आयुष कि कई अन्य लोगों की भी जाने जाएंगी।
बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी बातचीत करेंगे आपके साथ। लेकिन फलक हमारे साथ हजारीबाग से संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, फलक का रुख करेंगे। फलक, बड़ी खबर हजारीबाग से सामने आई, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी की मौत हो गई, कईयों की तबियत खराब होने की भी तस्वीर सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी बताएं दर्शकों को। कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हजारीबाग की बात की जाए तो एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी मौत है, और राज्य भर में अनेकों जिलों से इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही है। और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग में उत्पाद जो सिपाही का दौड़ चल रहा था, पद्मा पुलिस ट्रेनिंग कैंप में सेंटर बनाया गया था इस दौड़ को लेकर के, और सूरज काफी होनहार अभ्यर्थी बताया जा रहा है, क्योंकि उसने जेपीएससी का पीटी निकाल जो है वो निकाला हुआ था, इसमें जो अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में वो भाग लेता था, और इसी तरीके से उत्पाद सिपाही की जब फॉर्म निकली तो वो फॉर्म भरता है और उसके बाद अपने दौड़ की शुरुआत करता है। प्रैक्टिस में रहने के बाद आपको अगर कल की बात बता देते तो कल वो जो है वो भूखा था रात भर, ऐसे में आज सुबह जब वो दौड़ के लिए जो है ग्राउंड पहुंचता है, और देखिए दौड़ उसने पूरा कर लिया होता है, और दौड़ने के बाद जब वो रेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए बैठता है, और इसी दौरान वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और इसी दरमियान जब आसपास के अन्य लोग उस पर पानी का छिड़काव करते हैं और फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो और ज्यादा जो है वो सीरियस हो जाता है। पद्मा चूंकि हजारीबाग मुख्यालय से करीबन 28-30 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसे में उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है परिजन बता रहे हैं कि सूरज की मृत्यु हुई। उसके बाद सूरज को हजारीबाग के एसबीएमसीएच लाता है, और इसी दरमियान सूरज नहीं बच पाता है, सूरज की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जब सूरज की शव को देखने इनके परिजन पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो है वो कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिलती है, और साथ में रो रो कर उनके परिजनों का बुरा हाल है। बिल्कुल फलक, तो लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हजारीबाग में फिलहाल स्थिति क्या है, उत्पाद सिपाही भर्ती जो दौड़ चल रही है उसकी हम हर एक अपडेट आपसे लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय भी जुड़े हुए थे, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हर पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फलक का भी धन्यवाद, हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी साझा की। लेकिन 583 पदों के लिए जो उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ चल रही है, इस बहाली प्रक्रिया में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, और 80 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस बहाली प्रक्रिया को लेकर क्या पहल करती है। तो पलामू में 3 अभ्यर्थियों की मौत हुई है, 1 गिरिडीह में हो गई है, 1 हजारीबाग में अभ्यर्थी की मौत हो गई है, 80 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।